नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और HP नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि अभी की जो ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि हिमाचल प्रदेश में जो है आज 25 जुलाई 2020 को अभी तक एक दिन में जो है वो 72 नए कोरोना मरीज जो है आ गए हैं। तो कहाँ कहाँ के ये पॉजिटिव मरीज आए हैं इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो पर एंड तक बन रहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करके लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं हिमाचल में 72 नए कोरोना मरीज, इन 3 जिलों में सबसे ज़्यादा मामले। तो हिमाचल प्रदेश में 72 नए मरीज जो हैं आज आए हैं 25 जुलाई 2020 को 4 बजे तक। तो 3 जिलों में सबसे ज़्यादा मामले आए हैं हिमाचल प्रदेश में जो है शनिवार को कोरोना के 72 मामले आए हैं। सोलन में 31, ऊना में 5, सिरमौर मंडी में 15 और चंबा में 6 मामले आए हैं। जिला सोलन में फिर 31 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। संबंधित मामलों में BBN के क्षेत्र के उद्योगों के कामगार शामिल हैं। शेष रहते 50 कोरोना सैंपल की रिपोर्ट में शनिवार को यह खुलासा हुआ है। 12 की रिपोर्ट नेगेटिव व अन्य 7 कोरोना सैंपल की अभी जांच चल रही है। सिरमौर जिले के गोविंदगढ़ मोहल्ला नाहन से शनिवार को 15 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉक्टर RK परोथी ने बताया कि 15 नए पॉजिटिव मामलों में 4 युवक पुरुष जिनकी उम्र 14 से 65 वर्ष के बीच है, तथा 11 युवतियां महिलाएं हैं जिनकी उम्र 11 से 68 वर्ष के बीच है। उन्होंने बताया कि सिरमौर जिले में अब कुल 169 एक्टिव मामले हैं। चंबा में 6 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। सेना का जवान, आशा वर्कर, दिल्ली से लौटा युवक, बिहार से लौटा मजदूर, जालंधर से लौटा व्यक्ति और लद्दाख से लौटा एक अन्य सेना का जवान जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। चंबा में 6 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। मंडी जिले में 15 नए मामले आए हैं। मंडी जिले के सराज और नाचन में कोरोना संक्रमण के खौफ के चलते गोहर और जंजहली के दुकानदारों ने जो है 2 दिन दुकानें जो है बंद रखने का फैसला लिया है। वहीं थुनाग और बांसियार में दुकान बंद रखने को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दोनों क्षेत्रों में एक दिन में ही 26 नए मामले जो है सामने आए हैं, जिसके हड़कंप मचा हुआ है। ऊना जिले में जो है कोरोना के 5 नए मामले आए हैं। गगरेट उपमंडल के मावा कोहला का लद्दाख से लौटा सेना का जवान पॉजिटिव पाया गया है। दूसरा पॉजिटिव भी सेना का जवान है। यह हरोली उपमंडल के बढ़ेड़ा का रहने वाला है। यह नागालैंड से लौटा था। BSF का जवान पॉजिटिव पाया गया है। यह गगरेट उपमंडल का रहने वाला है और पश्चिम बंगाल से लौटा था। चौथा पॉजिटिव नेपाली मूल का युवक है और गगरेट में क्वारंटीन सेंटर में बनाए गए एक होटल का कर्मी है। वहीं ऊना उपमंडल के समूर का युवक भी की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। तो यह महाराष्ट्र से लौटा था और संस्थागत क्वारंटीन था। जिले में संक्रमितों की कुल संख्या जो 177 हो गई है और 49 जो है सक्रिय मामले हो गए हैं। तो दोस्तों, ये थी अभी की ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़। आज 25 जुलाई 2020 को 4 बजे तक 72 नए मामले जो हैं आ चुके हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश में हड़कंप समझ चुका है। तो दोस्तों, ये थी अभी की ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करके लाइक कर दें, और अंकित वर्मा और HP नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।